ये एक बार राइफल पे लगा लो, मैं पक्का दावा ठोक के कह सकता हूँ अगर इससे निशाना चूक जाए आपका टारगेट से तो तब मुझे बताना। ऐसा नहीं होगा, जितनी भी फायर करोगे गोली के ऊपर गोली दागेगा, ये वाला स्कोर। आप जो देख रहे हैं इसके लेफ्ट और राइट और नीचे कॉर्नर में ये बिंदिया सी बिंदिया मिल डॉट क्यों बन रही है, इसलिए बन रही है जब हमारे शूटर जब निशाना ट्रैवल करते हैं तो उनकी गोली हवा के माध्यम से थोड़ी लेफ्ट और राइट घूम जाती है, तो उसकी सहायता से आपको पता लग जाता है या एडजस्ट बल जब करोगे कि आपकी गोली कितनी लेफ्ट गई कितनी इंचिंग गई, उस क्लिप को जब कैसे से एंटी क्लॉक वाइज करोगे तो तब जाके इसकी सेटिंग जीरो पे बनेगी। ओनली ये वाला जिन भाइयों के पास करीबन 20-30 हज़ार रुपये की एयरगन है वो मत ले, जिनके पास रियल के फायरआर्म्स हैं या कोई ऐसी राइफलें हैं चाहे एफएक्स हो चाहे कुछ हो जो इसकी गोली बहुत दूर तक ट्रैवल होती है, बहुत ज़्यादा दूर तक का, वही बंदा से परचेज करें वरना ना। हमारे पास इन सभी गन्स को बेचने के लिए लाइसेंस है, कोई भी भाई ऐसी वीडियो घर पे ना बनाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं सब भाई अच्छे हैं। स्वागत है आपका एलवीस एयरगन हाउस में, जो कि एयरगन हाउस है। आज इसे कुछ मिनटों के ब्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं, स्कोप के ऊपर ये ब्लॉग बन रहा है, ये ब्लॉग बन रहा है स्पेशल स्कोप के ऊपर बन रहा है, ना कि राइफल के ऊपर। और आपके सामने है पेस, आप समझ रहे होंगे लिखा है एलिमेंट, और ये एलिमेंट ऑप्टिक्स है, और ये सबसे डेंजरस सबसे यूनिक स्कोप माना जाता है। इसे आप किसी भी फील्ड में उतार लो, बारिश में उतारो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो पहाड़ी पूड़ी, जो आर्मी के हमारे जो होते हैं जो कमांडर सबसे ज़्यादा उन पे स्नाइपर राइफलें होती है, सबसे ज़्यादा इसी स्कोप का यूज करते हैं। इस स्कोप में वाटरप्रूफ को झेल जाएगा, आप जैसे जा रहे हो पहाड़ी पूड़ी से आपकी राइफल गिर गई, ये टूटने वाला स्कोप नहीं है। आप सोचोगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, क्या दिखाएगा, हम इसके बारे में आपको सब बताएंगे। एलिमेंटेड सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम, ये रहा आपके सामने एलिमेंट। शॉर्ट में इसका नाम हिलैक्स से बोलते हैं। छः 24-50 हिंदी में 6-24-50 सन ग्लास लगने के बाद ये इतना बड़ा स्कोप है, और इसका आप इसका बॉक्स ही आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, कैसे क्या है। ये जिस राइफल पे लग जाता है जब इसका जूम सटीक कितने ही, आप मैं खुला बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर को पार कर देगा, 1 किलोमीटर कितना है उससे भी आगे का ये दिखाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये PX120 पे क्यों लगा है, ये सिर्फ मैं ऐड करने के लिए इसका रिव्यू बनाने के लिए मैंने इसको लगाया, वरना PX120 तो 3940 कोई सही लेती हैं। और फिर ये इसमें जो अंदर की सबसे बड़ी बात है, अंदर के जो पैटर्न आप सोच रहे होंगे वो कैसे दिखेंगे उसका भी हम बताएंगे, और इसका सभी जूमिंग सिस्टम आप यहां से देख सकते हैं। देखो चलो, ये इसके जूमिंग सिस्टम होते हैं ऐसे, देखो राइट क्योर करने पे इसके जूम ऑप्टिक्स घूम रहे हैं इस तरीके से, इनके जूमिंग 24 तक होते हैं। इसमें सिंबल भी यहाँ पे दिखा हुआ है माइनस प्लस का, इस तरीके से है। और इसमें बहुत अंदर के कुछ यार्ड भी दिखा रखे हैं, यहाँ पे दिखाओ, आप सोचोगे कि इसके अंदर का रेटिकल कैसा है, और किन बंदों के लिए ये राइफल, मतलब जो अपने भाई है किन को ये स्कोप लेना चाहिए, मैं बता रहा हूँ ये स्कोप की जरूरत किन अपने दोस्तों है, कौन है वो अपने भाई, किन्हें जरूरत पड़ेगी, जिनके पास रियल के फायरआर्म्स है और स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस की शूटिंग करते हैं ठीक ठाक वाले, और वो सोचते हैं कि हमारे एम्यूनेशन बर्बाद ना हो और एम्यूनेशन सही टारगेट पर अच्छा निशाना दे, तो इसके सेंटर में भी डॉट है, आप समझ रहे हो, जो उसका सेंटर है उसमें भी एक डॉट है, आप उसके डॉट से अपने लेजर बोर साइटर की अपेक्षा से आप उसे इसके अपनी राइफल को जीरो कर सकते हैं। यही स्कोप ऐसा है, गिर जाए बारिश की बूंदे कुछ भी नहीं टूटेगा। कॉस्ट पूछोगे इसके, हिंदुस्तान में इसकी प्राइस आज की वैल्यू अलग है, आने वाले टाइम की लोगे तो तब की वैल्यू अलग होगी। कोई भी बंदा ये माइंड मत करो कि भाई 2-4 हज़ार रुपये ऊपर महंगा मिल रहा है या कम मिल रहा है, जिस कंडीशन में मिल रहा है आप लेके रख सकते हैं।
अभी जो उसकी प्राइजिंग है अभी राउंड फिगर मैं बता दूंगा आपको, करीबन 60,000 और 70,000 के बीच के राउंड फिगर इसकी चले हुए है। जब हिंदुस्तान में लौट आता है तो करीबन 55 या 66 के आसपास में ये सेल आउट होता है, 1000 की बात कर रहा हूँ मैं अभी। मतलब जब यूनिक होता है सामान हिंदुस्तान में ख़त्म हो जाता है, जब अपने भाई परचेज कर लेते हैं तो तब इसकी कीमत ऊपर चली जाती है। इसकी कीमत बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में नहीं होता, आप समझ रहे हो यूनिक की। और ये एक बार राइफल पे लगा लो, मैं पक्का दावा ठोक के कह सकता हूँ, अगर इससे निशाना चूक जाए आपका टारगेट से तो तब मुझे बताना, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी फायर करो गोली के ऊपर गोली दागेगा ये वाला स्कोप, ओनली ये वाला। जिन भाइयों के पास करीबन 20-30 हज़ार रुपये की एयरगन है वो मत ले, जिनके पास रियल के फायरआर्म्स हैं या कोई ऐसी राइफलें हैं चाहे एफएक्स हो चाहे कुछ हो, जो इसकी गोली बहुत दूर तक ट्रैवल होती है, बहुत ज़्यादा दूर तक का, वही बदला के परचेज करें, वरना ना। आप सोचोगे कि इसके अंदर का रेटिकल कैसा होगा, कुछ डाउट ऐसे चल रहे होंगे, हम इसके रेटिकल का आपको थोड़ा सा इसके माध्यम से दिखाएंगे। इसका रेटिकल अंदर का जो बनेगा, अंदर एक बीच में सेंटर बनेगा और कुछ इस तरीके से होगा। आप जो देख रहे हैं इसके लेफ्ट और राइट और नीचे कॉर्नर में ये बिंदिया सी बिंदिया मिल डॉट क्यों बन रही है, इसलिए बन रही है जब हमारे शूटर जब निशाना ट्रैवल करते हैं तो उनकी गोली हवा के माध्यम से थोड़ी लेफ्ट और राइट घूम जाती है, तो उसकी सहायता से आपको पता लग जाता है या एडजस्ट बल जब करोगे कि आपकी गोली कितनी लेफ्ट गई कितनी इंचिंग गई, उस क्लिप को जब कैसे से एंटी क्लॉक वाइज करोगे तो तब जाके इसकी सेटिंग जीरो पे बनेगी। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, और स्पेशल मैंने इसमें ऐड इसका स्कोप का किया है और एलवी सरगन हाउस पे आ चुका है। जो भाई परचेज करेगा हमारा विजिटिंग कार्ड ये रहा, नंबर डिस्प्ले पे भी चलेगा और यहाँ पे भी चलेगा, सिर्फ यही दो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा, इनसे अलग हमारा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी प्रीपेड दोनों करा देंगे। ये मत सोचना कि मैं उत्तराखंड हरिद्वार जिले से हूँ कि सामान आपको घर तक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैश ऑन डिलीवरी मांगो चाहे प्रीपेड। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, स्पेशल हिलेक्स एलिमेंट के लिए वीडियो बना था। तो मिलते हैं दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद जय भारत।